हमारे साथ हैं हरीश चौधरी, जिन्हें पंजाब की जिम्मेवारी दी गई है। पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला स्टेट है। बात करते हैं कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से डील करेंगे। सर, बड़ी चुनौती है, आप ऑब्जर्वर रहे हैं और लगातार चर्चा में पंजाब रहा है। अब आपके पास 4 महीने का समय है, चुनाव है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं पंजाब में 2013 से सचिव के तौर के ऊपर मुझे जिम्मेवारी दी गई है और जितना मैं पंजाब को समझा हूँ, जाना हूँ, मुझे विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर बनेगी। एक बेहतरीन निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिया गया, पार्टी की तरफ से लिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी जो एक योग्य है, एक सामान्य पृष्ठभूमि से अपनी नेतृत्व क्षमता और योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे और जो 30 दिन के अंदर जो गवर्नेंस, जिस तरह से फैसले सरकार के अंदर लिए जा रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि जितना मैं पंजाब को जानता हूं कि पिछली दफ़े से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की पंजाब राज्य के अंदर आएगी। सर, पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह कांग्रेस की बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जैसा कि वो भाजपा के साथ गठबंधन बढ़ाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि अमरिंदर सिंह और भाजपा कहीं आपके साथ चुनौती बना पाए, क्योंकि भाजपा का जनाधार जैसे आपने बताया कि कम ही है वहाँ पर? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अवसर दिया गया था कांग्रेस के सरकार का नेतृत्व करने के लिए। उनकी जो पिछले सालों के अंदर जो कार्य पद्धति थी, जो फैसले थे, उनसे असंतुष्ट होकर कांग्रेस के विधायकों ने ही मांग करी नेतृत्व परिवर्तन की। अगर उनका व्यवहार, उनके फैसले पंजाब के हित के लिए होते तो कांग्रेस के विधायक ये अनुरोध नहीं करते कांग्रेस पार्टी को कि उनका नेतृत्व बदला जाए। और पूरा पंजाब अच्छी तरह से जानता, जो पंजाब को जानता वही अच्छी तरह से जानता है ये पंजाब के हित के लिए फैसला लिया गया। जब सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री में रहते हुए ही उनका इस तरह की कार्य पद्धति, इस तरह के फैसले रहेंगे, तो अब दूसरा दल बनाकर वो राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब राज्य के अनुरूप उनका कोई फैसला नहीं रहा। हर फैसला जो पंजाब की सोच, पंजाबियत की सोच है, उसके विरोध के अंदर उन लोगों का रहा है। तो पंजाब भारतीय जनता पार्टी को कभी भी स्वीकार नहीं करे। सर, माना जा रहा था किसान आंदोलन जो चल रहा था उसके पीछे अमरिंदर सिंह बहुत बड़े मजबूत चट्टान बनके खड़े हुए थे। अमरिंदर सिंह के जाने के बाद में किसान आंदोलन को लग रहा है कि दरकने वाला है और किसान आंदोलन पंजाब चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये किसी की किसान आंदोलन के समझ में ना समझी कि कोई भी किसान आंदोलन के पीछे कोई एक व्यक्ति मजबूती से खड़ा उसके कारण किसान आंदोलन का। ये किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है। प्रत्येक जो जागरूक किसान इस देश का, उसका आंदोलन, किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचारधारा का आंदोलन नहीं है। तो जो कोई भी ये बात अगर सोचता है तो मेरा जितना अनुभव है, ये एक ना समझी वो चीज़ किसान आंदोलन के समझने के अंदर गलती कर रहा है। तो किसी प्रकार से अगर किसानों के साथ ये जो 3 कृषि बिल पर इस तरह के बिल किसानों के भविष्य के लिए किस प्रकार से उन पर प्रभावित करेगा, कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर आकलन करेगा तो उसको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि ये किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी बिल कोई भी इसके साथ मिल जाएगा। किसी व्यक्ति के कारण ये किसान आंदोलन नहीं है। सर, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दो अलग अलग ध्रुव की तरह माने जाते हैं, किस तरह, क्योंकि आप पहले जा चुके हैं, बीच में जो घटनाक्रम तो भी आप मौजूद थे, इनको किस तरह से एक साथ में समन्वय बना के पंजाब के चुनाव की बागडोर को आप? ये दो ध्रुव नहीं है। जो कोई भी लोकतंत्र को समझना चाहेगा, जो भारत को समझना चाहेगा, जो कांग्रेस को समझना चाहेगा, अपने मत, अपने विचार हर व्यक्ति को रखने का अधिकार है, पर उसकी सीमा ही है। देश के अंदर अपने मत, अपने विचार रखने का संविधान की सीमा ही है, उसके अंदर नियम और कानून की सीमा ही के अंदर, तो इन सीमाओं के अंदर अपने मत जरूर रखे जाएंगे। एक टीम के तौर के ऊपर नवजोत सिंह जी सिद्धू और चरणजीत सिंह जी चन्नी, वो प्रत्येक कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता काम कर रहा है, करता रहेगा लगातार। उन लोगों के लिए व्यक्ति से बड़ा पंजाब और पंजाबियत। सर, क्या चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा एज ए सीएम प्रोजेक्ट होंगे या फिर कोई दूसरा नया चेहरा आएगा? ये लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले तो पंजाब के लोग तय करेंगे कि किसके विधायक बनेंगे, किसकी सरकार बनेंगे। उसके बाद में जिस किसी की पार्टी का विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। सर, किस दल से आप मानते हैं कि आपका कड़ा मुकाबला हो सकता है पंजाब में? जो हालात बने हुए हैं, कोई भी दल कांग्रेस के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। आम आदमी पार्टी भी वहां संघर्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो मॉडल का जो सिर्फ प्रोपागेंडा और प्रचार, आज जो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जो प्रोपागेंडा और प्रचार कर रहे, कोविड के वक्त क्या स्थिति हुई प्रोपागेंडा के अंदर, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला कि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर, आज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर
बेरोजगारी की वो बहुत बातें करें, आज दिल्ली के अंदर पिछले 7 वर्षों के अंदर कितने रोजगार रहे ये आंकड़े निकाल कर देखें। आज जो दिल्ली शीला दीक्षित जी ने उनको सौंपी, जो देश दिल्ली के अंदर बिजली की जो लॉसेस थे वो सबसे ज़्यादा देश के अंदर हुआ करते थे, वो लॉसेस बिल्कुल कम कर कर उनको सौंपे, वो दिल्ली सौंपा गया, एक बेहतरीन दिल्ली शीला दीक्षित जी ने सौंपा, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली की क्या स्थिति बना दी। सर, बीते 30 दिनों का कार्यकाल जो चन्नी सरकार का रहा है, काफ़ी घोषणाएं हुई है, कितने महत्वपूर्ण मानते हैं आगे वाले चुनाव को लेकर? घोषणा ही नहीं हुई, वो धरातल के ऊपर उसको लागू भी किया गया। बिजली के संदर्भ के अंदर जो ओवरड्यूज थे, जो लोग बिजली के बिल नहीं जमा कर सकते थे 1200 करोड़ रुपये का, वो माफ़ हुआ। ट्रांसपोर्ट के अंदर बेहतरीन कार्य हुआ। जो किसानों की फसल बर्बाद हुई उसके लिए तत्कालीन वहाँ गिरदावरी, और गिरदावरी के बाद उन लोगों के लिए जो किसान आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए उन लोगों की नौकरी के संदर्भ के अंदर, जो भूमिहीन गांव के अंदर लोग थे उन लोगों को प्लॉट देने के संदर्भ में कई फैसले हुए पंजाब के अंदर। तो ये थे हरीश चौधरी, पंजाब के प्रभारी, विश्वास से लबरेज हैं, और इनका कहना है कि पंजाब चुनाव में आने वाला जो रिजल्ट होगा वो कांग्रेस के पक्ष का ही होगा। मनोज वर्मा, ETV भारत, जोधपुर।